ये देखा मेरा रोमियो बेटा, तभी तो मैंने इसका बहुत सही नाम रखा है रोमियो। कैसे अपनी पत्नी की रंग में रंग गया ही। बस काश बेटे के थोड़े रोमांटिक गुण माँ में भी आ जाते तो। चलो 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 डैड, एक मिनट, एक गलती सुधारनी बाकी है। शैंकी, ये घर जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा है। आई एम रियली वेरी सॉरी। डैड बिल्कुल ठीक कहते थे कि खून के रिश्तों से बढ़कर भी कुछ रिश्ते होते हैं। और कोई लाख कोशिश कर ले, दिल से जुड़े हुए रिश्ते कभी टूट नहीं सकते। आई एम सॉरी शैंकी, आई एम सॉरी। नहीं पकौड़ी, थैंक्स मत बोलना। अपने बीच में डिसाइड हुआ था ना, अपनों के बीच नो सॉरी नो थैंक्स। आज से एक नई शुरुआत करते हैं। Excuse me. इससे पहले कि आप सब लोग अपने में बिजी हो जाएं, मैं आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। बहुत से लोग मुझे कहते थे कि समय बदल गया है, जमाना बदल गया है, वैल्यूज बदल गई। जहां लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वहां मैं कैसे एक जॉइंट फैमिली का सपना दिल में संजो कर बैठा हूं। कई बार मैंने सोचा कि मैं घर का बिजनेस का बंटवारा कर दूं, ताकि आप सभी लोग एक दूसरे से अलग दूर दूर रहें, मगर फिर भी शांति से रहें। मगर फिर मुझे एक बात याद आई, जो आदि की नानी मुझसे कहा करती थी। वो कहती थी कि जमाना भले बदल जाए, हर इंसान को अपनों की अपनेपन की जरूरत पड़ती है। दुख होता है मुझे जब मैं आज की मॉडर्न पीढ़ी को यह कहते सुनता हूं कि हम लोग तो मॉडर्न लोग हैं, 21st century के लोग हैं, हमारी सोच मॉडर्न है, तो हमें परिवार की क्या जरूरत है। मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि एक बार परिवार के सुख को महसूस करके देख लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि परिवार के बंधन से बाहर निकलने का आपको मन भी नहीं करेगा। पकड़ी बेटा, यहां हो। अगर आज इस परिवार में खुशियां आई हैं, तो वो इस लड़की की मेहनत के बगैर पॉसिबल नहीं था। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आज मैं तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज सौंपना चाहता हूं, ये मेरा परिवार। मैं चाहूंगा कि आगे भी तुम इन सब की इसी तरह से देखभाल करती रहो, और मैं जानता हूं कि तुम ये काम बहुत अच्छी तरह से करो। जीती रहो बेटा। और बरखोदार, आइए आइए, आप भी तो यहां आइए। आपको भी एक जिम्मेदारी लेनी होगी।
इस पंखुड़ी की। ख्याल रहे कि इसकी आंखों से एक भी आंसू टपकना नहीं चाहिए। जानते हो, ये सब कुछ छोड़कर यहां आई है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर। इसने हमारे घर की परिवार की खुशियों की जिम्मेदारी ली है। तुम्हें भी इसका ख्याल रखना होगा। I will not. I know you will. अच्छा, तो ये खुशी की बात है। मेरा तो उस छोटे शहर वाली का चेहरा देखने का मन कर रहा है इस समय। क्या अभी खुशी का मामला है, खुशी की बातें करते हैं ना। और मिठाई खाइए। इतने दिनों बाद इतनी मुश्किल से नेहा और पंखुड़ी दोनों के जीवन में खुशी आई है। बहना, क्या है ना कि वो जो आदित्य बाबू की मामी, वो लतिका और रूबल जिस किस्म के इंसान है ना, उन पर मैं चाहकर भी भरोसा नहीं कर सकता हूं। मेरी तो बस अब यही प्रार्थना है कि मेरा सारा अंदेशा गलत निकले और हमारी बच्चियों को अब और ज्यादा कष्ट ना उठाना पड़े। निश्चिंत रहिए भैया, राम जी की कृपा से सब ठीक होगा। मुझे नहीं लगता कि लतिका आप कोई गड़बड़ करेगी। आखिर माँ जो बनने वाली है वो क्या? लतिका की शादी हमारी पंखुड़ी के बाद हुई थी ना, तो वो पंखुड़ी के पहले माँ बनने वाली है। हाँ, तो क्या हुआ? क्या क्या हुआ अंबिका? इसका मतलब ये हुआ कि अब उस परिवार में लतिका को पंखुड़ी से ज्यादा महत्व मिलेगा, उसको भी और उसके बच्चे को भी। मैंने हमेशा देखा है, हर परिवार में पहले बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। प्यार के साथ साथ प्रॉपर्टी का सबसे अच्छा वाला हिस्सा भी उसे ही मिलता है। हाँ नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं पंखुड़ी से बात करूंगी, अब उसे भी देर नहीं करनी चाहिए। देखिए भाभी, ये उसका और आदि का निजी मामला है। उनके घर में बच्चा तभी होना चाहिए जब वो दोनों तैयार है उसके लिए। वैसे भी जब पंखुड़ी के घर में अवंतिका जैसी समझदार सास है, तो हमें क्या जरूरत है उन्हें सलाह देने की, है ना? ठीक है, लेकिन हाँ, शीला को तो एक बार बधाई देने के लिए फोन जरूर करूंगी। वो तो खुशी के मारे हवा में उड़ रही होगी। समय कैसे बदलता है ना भाभी। जिस अवंतिका जी की वजह से आप पंखुड़ी के लिए हमेशा चिंतित रहती थी, आज उन्हीं की वजह से पंखुड़ी के लिए एकदम निश्चिंत है। हाँ भैया, मुझे पंखुड़ी की जरा भी फिक्र नहीं, क्योंकि अब उसकी सास उसके पक्ष में है। नो, ऐसा नहीं हो सकता भैया। देखो अवंतिका, नहीं अवंतिका, देखो तुम मेरी बात सुनो भाई। जितने अकाउंट और जितनी भी प्रॉपर्टी जो कुछ भी तुम्हारा था, मैंने लॉयर को कह के तुम्हारे नाम वापस ट्रांसफर करवा दिया बस। लेकिन क्यों? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने रिस्पेक्ट, इतना प्यार दिया, इट्स मोर देन एनफ फॉर अस। दैट एंड आप इसे समझाइए। देखो अवंतिका भाई, जो कुछ तुम्हारा था वही मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। देखो प्लीज, अब बस मैंने कह दिया क्योंकि मैं बड़ा हूँ तो तुम्हें मानना होगा बस। रियली? आप बड़े भैया हैं तो आपने सोचा आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैंने कह दिया सो कह दिया, फाइनल। डैड, भाई ये तुम दोनों भाई बहनों के बीच का मामला है, इसे बीच में मुझे मत घसीटो। बेटा, अरे भाई, बीच राहों में हम भी खड़े हैं भाई, हमें भी तो दो। साहब जी भूल गए, इसमें शक्कर बहुत है और आपको मीठा मना है। अरे छोड़ो, आज के दिन में मीठा क्या फीका क्या, सब एक जैसा होता है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भाई अवंतिका बेटा, देखो तुम्हारे ये बहू और शहन की मुझे शरबत पीने नहीं दे रहे। क्या आप तीनों के बीच का मामला है, इसमें आप मुझे मत घसीटो। क्या लाइन बोली है, क्या लाइन बोली है अवंतिका? मतलब अगर तुम ऐसी लाइन बोलती हो ना, तो मैं तुमसे डे पर डे और भी प्यार करने लगा। हाय 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 हाय, प्यार का तो पता नहीं, लेकिन आज तुम खा लो क्योंकि कल से डाइटिंग करनी है।
और डाइट प्लान ऑलरेडी रेडी है मेरे पास। यस मॉम, और उस चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने सब प्रिपेयर करना भी शुरू कर दिया है। ओह बटरफ्लाई, तू भी उड़ने लगी। अरे काय की डाइटिंग भैया, एंड व्हाई डू आई नीड डाइटिंग? रोमियो प्लीज सपोर्ट मी यार, यू थिंक आई एम नॉट फिट? यू आर वेरी फिट, बट यू नो व्हाट डैड, आपको बचाने के चक्कर में ना मुझे डाइट शुरू करना पड़े, ये मैं नहीं चाहता। तो एंड औरतों के बीच में मैं नहीं बोलता, यू नो। क्या क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर मॉम ने कुछ सोचा है तो सोच समझ कर ही सोचा होगा, नहीं राइट? दैट्स लाइक माय बॉय। और मैंने डिसाइड किया है कि शाम का खाना मैं और पंखुड़ी किचन में बनाएंगे। ओह नो, क्या? आई मीन नो, यस। अब लेकिन ये सब नाना जी, जैसे जॉइंट फैमिली में रहना ओल्ड फैशन नहीं होता ना, वैसे अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाना भी पुरानी सोच नहीं होती है। हाँ, ये बात तो है। तो फिर मैं भी अगले हफ्ते में एक बार सबके लिए खाना बनाऊंगी। व्हाट से? नो मासी, आप क्यों बनाएंगी? क्यों, सिर्फ तेरी फैमिली है क्या? ऑलराइट फिर भाई, तुम कभी कभी खाना बना लेना, और कभी कभी तुम्हारी भाभी खाना बनाएगी। अरे क्यों नहीं, मुझे तो खाना बनाना बहुत पसंद है। हमारे ढोलपुर में तो मैं आज भी 30-30 लोगों का खाना अकेली बनाती हूँ, अकेली। अरे वाह, क्या बात कर रहे हो, इसका मतलब खाना बनाना तो बहुत मिस करती होगी। तो एक काम करो, आप ना हफ्ते में एक बार नहीं, दो बार ही खाना बनाओ, क्या कहते हो? दो बार ही बनाओ, और आपकी जो असिस्टेंट है, आपकी बहू, उनके साथ बनाओ, मजे से खाएंगे सब लोग। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई सिर्फ औरतों को क्यों, मैं तो कहता हूँ कि हम मर्दों को भी एक बार चांस मिलना चाहिए। क्या? कि हफ्ते में एक बार हम लोग भी खाना बनाएं, हाँ, ताकि हम लोग भी दिखा सकें कि हम इनसे बेटर नहीं है, नहीं है, पर एटलीस्ट इक्वल तो है। अब मैं चाय बनाऊँ? अच्छा अच्छा, आज मैं सही मायने में कह सकता हूं कि हम साथ साथ हैं। आज तक दूर था मैं खड़ा, फिर भी साथ तुमने यूं दिया। जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं।
देखा मैंने था सपना कभी, आस तुमने भी छोड़ी नहीं। धन्य हुआ है ये घर मेरा, मेरे पोते को तुम जो मिली। दीप और मूर्ति हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। महफिले भी यूं सजती रहे, होगा ऐसा ही फ्यूचर में भी। आज करते हैं वादा यही, नैन और ज्योति हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। खुशियों की जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। खुशियाँ आई रे, खुशियाँ आई मेरे द्वार, होगी पूरी रे अपनी फैमिली इस बार। घर आया रे, आया मेरा बेफुरदार, बहुया साथ खड़ी जिसने किया ये कमाल। बचले हो आया हो हम इतना हो। कहाँ चल दिया मैडम? वो सबके डिनर का टाइम हो गया तो बस उसी की तैयारी करी थी। आपको कुछ चाहिए? ओ, तो मुझे कुछ चाहिए होगा तभी मैं तुझे याद कर सकता हूँ, राइट? कुछ कहना था? मैंने सबसे सुना था कि शादी होने के बाद, वाइफ आने के बाद ना लाइफ चेंज हो जाती है। लाइफ में एक नया मीनिंग आ जाता है, एक नया पर्पस आ जाता है, लेकिन मैं सोचता था कैसे। नीचे देख रही तू? मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये पॉसिबल होगा। ये सब कुछ बदल दिया यार, मुझे भी और इस वक्त को भी। आदि क्या कर रहे हैं आप सब नीचे बैठे हैं? Thank you.
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।